हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है बेटा? पढ़ाई वढ़ाई सब मस्त चल रही होगी बेटा? तो बच्चों, हम लोग कोनिकॉइड्स के बेटा अगले वीडियो पर आ चुके हैं। जैसा कि आप जानते हैं, मैं आजकल घर से बाहर निकला हुआ था, तो मैं अपने साथ में फोल्डिंग बोर्ड लेके चल रहा हूँ और रास्ते में वीडियो बना रहा हूँ, है ना बच्चों? तो ये मैं वीडियो लगातार अपलोड कर रहा हूँ, टेंशन नहीं पालना बच्चों, टेंशन जाएगा पेंशन नहीं। देखो बच्चों, हम लोग आज कुछ टेंजेंट से रिलेटेड अच्छे क्वेश्चंस यहाँ पर करने वाले हैं। देखो बच्चों, सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग यहां पर आज ये कर रहे हैं। क्वेश्चन देखो यहां पर ये है कि टेंजेंट्स प्लेन, ठीक है, इज ड्रॉन टू। मार्कर थोड़ा बढ़िया नहीं चल रहा है, चेंज करता हूं मार्कर को। मार्कर थोड़ा बच्चों चेंज करता हूं, अच्छा मार्कर चल नहीं रहा है। ठीक है, टेंजेंट प्लेन्स आर ड्रॉन टू, टेंजेंट्स प्लेन आर ड्रॉन टू कोनिकॉइड। ठीक है, कोनिकॉइड ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर बराबर 1। तो इस पर टेंजेंट प्लेन ड्रॉ किए गए हैं कोनिकॉइड पर, है ना, थ्रू टी एच आर ओ यू जी एस, थ्रू अल्फा बीटा गामा। मतलब इस पॉइंट पर ये मान लो मेरे पास कोनिकॉइड है, तो कोनिकॉइड के ये पॉइंट है अल्फा बीटा गामा, और इस पॉइंट पर हमने क्या किया, टेंजेंट प्लेन को ड्रॉ किया, टेंजेंट प्लेन को ड्रॉ किया कोनिकॉइड के इस पॉइंट पर। अच्छा, अब देखो यहां पर कह रहे हैं कि शो दैट परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर, शो दैट परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर टू टेंजेंट प्लेन, टू टेंजेंट प्लेन। देखो बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैं करा रहा हूं आपको, और अगर आप ये सारे क्वेश्चन कर लेंगे तो अलग से किसी भी किताब से कहीं भी नोट से आपको क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है, मैं सारे के सारे क्वेश्चन आपको करवा दूंगा, ठीक है ना। तो कह रहे हैं कि परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर टू टेंजेंट प्लेन आर ड्रॉन, ठीक है। तो अब कह रहे हैं कि प्रूव दैट, है ना। देखो बच्चों यहां पर क्या है कि प्रूव दैट दीज परपेंडिकुलर जनरेट, है ना, पर दीज परपेंडिकुलर जनरेट दी कोन, दीज परपेंडिकुलर जनरेट दी कोन अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई प्लस गामा जेड का होल स्क्वायर, और इक्वल टू यहां पर दिया गया है एक्स स्क्वायर बाई ए प्लस वाई स्क्वायर बाई बी प्लस जेड स्क्वायर बाई सी। देखो बच्चों, ऐसा ना लैंग्वेज हो सकता, आप जो किताब देखें उसमें कुछ अलग हो सकती है, मतलब वही है। देखो कि जैसे एक बात ध्यान रखो कि परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर टू टेंजेंट प्लेन, मतलब इसका सेंटर क्या है, ओरिजिन है, तो ओरिजिन से हमने क्या किया, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। तो कह रहा है कि प्रूव दैट दीज परपेंडिकुलर जनरेट दी कोन, मतलब इसका मतलब देखो ये हुआ, ऐसा भी कह सकते हैं दीज परपेंडिकुलर लाई ऑन दी कोन। देखो ध्यान दो, जनरेट लाई ऑन दी कोन, इसका मतलब हमें इन परपेंडिकुलर्स का लोकस चाहिए। अब इसको बात को समझो, है ना, जैसे यहां पर इन्होंने लैंग्वेज लिखी है कि दीज परपेंडिकुलर जनरेट दी कोन। अब देखो ये कोन की इक्वेशन है, तुमको मैंने बताया था बेटा कोन के बारे में, तो एक्चुअली ये कोन की इक्वेशन होती है। खैर, ये कोन ना भी हो, हम करिए कोई भी कोनिक सेक्शन हो, कोई भी कोनिकॉइड हो, इससे हमको मतलब नहीं है। तो खैर उन्होंने बता दिया कि ये कोन है, तो अगर ये ना बताते ये कोन है तब भी हमें इससे मतलब नहीं था। तो हमें परपेंडिकुलर्स जनरेट दी कोन, मतलब परपेंडिकुलर्स का हमको चाहिए है, क्या बोलो यहां पर, लोकस, या ऐसा कह दो कि ऐसा भी कह सकते हैं दीज परपेंडिकुलर्स लाई ऑन दी कोन, तो हमको परपेंडिकुलर्स का लोकस यहां पर चाहिए। तो देखो जैसे ये हमारा परपेंडिकुलर है, तो हमें इस परपेंडिकुलर का लोकस यहां पर चाहिए, मतलब यहां पर ये, और ये परपेंडिकुलर का जो लोकस है वो यहां पर हमें ये प्रूव करना है, है ना, ये यहां पर हमें परपेंडिकुलर का लोकस प्रूव करना है। देखो ध्यान दो, क्वेश्चन को बेस से समझना पड़ेगा। ये जो हमारा टेंजेंट प्लेन है ये अल्फा बीटा गामा पर टेंजेंट प्लेन है, तो अगर हम इस टेंजेंट प्लेन की इक्वेशन लिखना चाहें, देखो हम अगर इस टेंजेंट प्लेन की इक्वेशन को लिखना चाहें, तो चूंकि क्या है, देखो किसी भी प्लेन की इक्वेशन हम लोग हमेशा ये लिख सकते हैं ए ब्रैकेट में एक्स माइनस अल्फा
प्लस बी ब्रैकेट में वाई माइनस बीटा प्लस सी ब्रैकेट में जेड माइनस गामा बराबर जीरो, है ना। किसी भी प्लेन की हम लोग ये इक्वेशन लिख सकते हैं जहां पर अल्फा बीटा गामा उस प्लेन पर लाई करने वाला पॉइंट होता है और ए बी सी उस प्लेन के नॉर्मल का डायरेक्शन रेशो होता है। देखो तो जैसे हम लोग मान लें कि मान लो ये जो प्लेन है, मैंने मान लिया कि लेट डायरेक्शन कोजाइन ऑफ नॉर्मल टू प्लेन, है ना। मैंने मान लिया कि प्लेन का जो नॉर्मल है उसके डायरेक्शन कोजाइन मैंने मान लिया एल एम एन है। भाई ए बी सी डायरेक्शन रेशो है, इसकी जगह डायरेक्शन कोजाइन को भी ले सकते हैं। ए बी सी मतलब जो है वो डायरेक्शन रेशो है प्लेन के नॉर्मल के, इसकी जगह हम नॉर्मल का डायरेक्शन कोजाइन भी ले सकते हैं, क्योंकि जहां जहां पर ए बी सी आ रहा है मतलब जहां जहां पर डायरेक्शन रेशो आते हैं पूरी थ्री डायमेंशनल में, ए बी सी की जगह पर हम डायरेक्शन कोजाइन हर बार हर समय ले सकते हैं। तो देखो अल्फा बीटा गामा ये प्लेन इस पॉइंट से पास कर रहा है, तो ए बी सी की जगह हम एल एम एन ले लें तो हमको देखो यहां से ये अपने एक प्लेन की इक्वेशन इन जनरल मिल जाएगी, है ना। ये एक प्लेन है, ये एक प्लेन है जिसके की डायरेक्शन कोजाइन्स जिसके नॉर्मल के डायरेक्शन कोजाइन एल एम एन है और वो प्लेन अल्फा बीटा गामा से पास होता है, है ना। ये हमने एक जनरल प्लेन की इक्वेशन को लिख लिया पहले। अब हमें चूंकि लोकस इसका निकालना है, जैसे मान लो ये सेंटर है और ये मान लो पॉइंट एम है, तो हमें सी एम लाइन का लोकस निकालना है। तो सबसे पहले हमें सी एम लाइन के इक्वेशन को लिखना पड़ेगा और प्रूव करना वो जो लोकस है वह ये होगा। देखो समझो ध्यान से, तो सबसे पहले हम इस सी एम लाइन की इक्वेशन को लिखेंगे। देखो ये जो सी एम लाइन है, ये सी एम लाइन एक्चुअली इस प्लेन का नॉर्मल हो गई क्योंकि प्लेन के परपेंडिकुलर है और प्लेन के नॉर्मल के डीसी हमने एल एम एन माने हैं, तो इसका मतलब वो एक्चुअली इस सी एम लाइन के ही डीसी हो गए। तो देखो इक्वेशन ऑफ सी एम लाइन, देखो सी एम लाइन जो है उसका इक्वेशन क्या होगा, जीरो 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 से पास हो रही है और डीसी उसके एल एम एन है, तो उसका इक्वेशन हो जाएगा एक्स माइनस जीरो वाई एल, वाई माइनस जीरो वाई एम और ये हो जाएगा जेड माइनस जीरो वाई एन, यानी कि एक्स वाई एल इक्वल टू वाई बाई एम इक्वल टू जेड बाई एन। तो कोई ये हमारा सी एम लाइन का इक्वेशन हो गया, है ना। एल एम एन क्या हो गया, एल एम एन हो गया इस सी एम लाइन का डायरेक्शन कोसाइन, सी पॉइंट का मतलब क्या हो गया जीरो जीरो जहां से ये लाइन पास कर रही है, बात समझे। तो अब हमें इसका लोकस चाहिए, इसका लोकस चाहिए का मतलब ये हुआ हमें यहां से एलिमेंट को हटाना होगा, एलिमेंट को हमें यहां से एलिमिनेट करना होगा। ये बात जरा यहां पर समझो, हमें एलिमेंट को एलिमिनेट करना होगा। देखो अब सबसे पहली बात तो बच्चों यहां पर ये आई कि हम लोग ये प्लेन जो है ये इसको टच कर रहा है, इसकी कंडीशन को यूज करें। कोई भी प्लेन देखो ऐसे इस प्लेन को ऐसे लिखें, एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड बराबर क्या हुआ एल अल्फा प्लस एम बीटा और प्लस एन गामा। देखो ये प्लेन क्या हो गया, ये प्लेन हो गया एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड बराबर पी वाला प्लेन ये हो गया, है ना। ये प्लेन किस फॉर्म का हो गया, एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड बराबर पी। पी की देखो वैल्यू यहां पर ये हो गई, वही तो हो गया ना, एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड बराबर पी और देखो पी की वैल्यू ये हो गई, है ना। तो अगर कोई प्लेन किसी कोनिकॉइड को टच करता है तो कंडीशन मैंने क्या बताई थी, एल स्क्वायर अपॉन ए प्लस एम स्क्वायर अपॉन बी और प्लस एन स्क्वायर अपॉन सी बराबर पी स्क्वायर। तो देखो एलिमेंट तो वही है, ए बी सी भी वही है क्योंकि कोनिकॉइड वही है, पी पी की जगह देखो ये आ जाएगा, तो एल स्क्वायर बाई ए प्लस एम स्क्वायर बाई बी और प्लस एन स्क्वायर बाई सी बराबर क्या हो जाएगा पी स्क्वायर, का मतलब एल अल्फा प्लस एम बीटा प्लस एन गामा का होल स्क्वायर। अब हमें क्या करना है बच्चों, यहां से ये एल एम एन को हटाना है, हमें लोकस चाहिए है इस लाइन का, तो हमें यहां से एल एम एन को हटाना होगा। देखो ध्यान दो, अगर हम इसमें इक्वल टू लैम्डा मान लें तो देखो एल की वैल्यू क्या हो जाएगी, एल हो जाएगा एक्स वाई लैम्डा, क्योंकि एलिमेंट हटाना है और एक्स वाई जेड में रिलेशन चाहिए वही लोकस होगा। तो एम क्या हो गया, एम हो गया वाई बाई लैम्डा और एन क्या हो गया, एन हो गया जेड वाई लैम्डा। ये एलिमेंट की वैल्यू यहां रख दी जाए क्योंकि देखो ये कंडीशन है कि प्लेन अगर कोनिकॉइड को टच करेगा उस बात की,
तो ये 11 की वैल्यू अगर मैं यहां पर रख दूंगा तो देखो यहां से हमें 11 की वैल्यू रख देंगे तो क्या होगा 1/a l² l² का मतलब x² / λ² प्लस 1/b m² m² का मतलब क्या हुआ y² / λ² प्लस 1/c n² n² का मतलब z² / λ² यहां पर देखो एलेमेंट रखोगे तो 1/λ² के बाहर लाओगे तो 1/λ² हो जाएगा एलेम क्या है एल एल की वैल्यू एक्स है ना तो ये हो जाएगा एक्स अल्फा और प्लस हो जाएगा वाई बीटा और प्लस हो जाएगा जेड गामा का होल स्क्वायर देखो ये λ² कैंसिल हो गया तो क्या बच गया x² / a y² / b और z² / c बराबर एक्स अल्फा प्लस वाई बीटा प्लस जेड गामा का होल स्क्वायर यही देखो बच्चों हम लोग प्रूव करना चाहते थे यही देखो रिजल्ट बच्चों हम लोग यहां पर प्रूव करना चाहते थे और यही देखो रिजल्ट यहां पर हमसे प्रूव हो गया ठीक है एल की जगह एक्स वाई लैम्डा रखेंगे और 1/λ आएगा होल स्क्वायर है तो 1/λ² बाहर कॉमन लेंगे तो λ² आ जाएगा देखो λ² यहां से कैंसिल हो जाएगा बस समझ गए ना तो इस तरीके से बच्चों हम लोगों ने ये क्वेश्चन कर लिया तो ये बच्चों काफी अच्छे क्वेश्चन है जहां पर हमें सिर्फ बेसिक नॉलेज की जरूरत है तो बेसिक नॉलेज अगर हमारे पास है तो हम लोग यहाँ पर अच्छे अच्छे क्वेश्चन निकाल सकते हैं तो मैं क्वेश्चन तो एक और करवाना चाह रहा था लेकिन करवा नहीं पाऊंगा क्योंकि मेरे कैमरे का मेमोरी कार्ड खत्म होने वाला है वो इंडिकेशन दे रहा है सिर्फ 4 मिनट बाकी है ठीक है 4 मिनट के बाद ये कैमरे का मेमोरी कार्ड खत्म हो जाएगा कोई बात नहीं ऐसा होता रहता है बेटा बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें तो होनी चाहिए ये सब डायलॉग है फिल्मी यार बोल देते हैं तुम्हारे सामने तुम मेरे अपने बच्चे हो ना इसीलिए ठीक है ना चलो बच्चों अगले वीडियो में मिलते हैं तब तक परेशान नहीं होना टेंशन नहीं पाना फिर बढ़िया बढ़िया सवाल करेंगे तब तक के लिए बाय बाय बेटा बाय बाय ये रिमोट मेरा यहाँ रहता है इसको मैं बार बार ढूंढता हूँ ठीक है लिख लो जल्दी से